आज की वीडियो में मैं बहुत अहम टॉपिक पर बात करूंगी। आज की वीडियो का मौजू है कि फिजियोथेरेपी किस तरह वीमेन हेल्थ को इम्प्रूव करने में अपना रोल प्ले करती है। तो इसके डिफरेंट कंपोनेंट है जिनको मैं स्टेप बाय स्टेप आपके साथ डिस्कस करूंगी। सबसे पहला जो कंपोनेंट है दैट इज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फिजियोथेरेपी क्या रोल प्ले करती है। जैसा कि हम जानते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये ड्यूरेशन 3 ट्राइमेस्टर्स पर और 9 माह पर मुश्तमिल होता है। तो इस दौरान ख्वातीन के जिस्म में मुख्तलिफ जिस्मानी चेंजेस आती हैं, ये चेंजेस ख्वातीन की पट्ठों में कमज़ोरी, पट्ठों के खिंचाव या पोस्चर से रिलेटेड होती हैं। तो इस दौरान जब एक खातून फिजियोथेरेपी सर्विसेज को अवेल करेगी तो उसके जो पट्ठों में खिंचाव है या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर कोई दर्द की शिकायत है या पट्ठों की कमज़ोरी है उसको ओवरकम इजिली किया जा सकता है। इसके साथ साथ जो पोस्चर में चेंजेस आ रही हैं उनके लिए भी फिजियोथेरेपी हेल्पफुल साबित हो सकती है। दूसरी जो सबसे अहम डोमेन है दैट इज़ द पोस्ट पार्टम रिकवरी। अगर तो सिजेरियन सी सेक्शन हुआ है या नॉर्मल डिलीवरी है, फिजियोथेरेपी दोनों के साइड इफ़ेक्ट्स या दोनों की कॉम्प्लिकेशंस को ओवरकम करने के लिए हेल्पफुल साबित होती है। रिसर्च स्टडीज़ ये शो करती हैं कि अगर खवातीन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या आफ्टर प्रेगनेंसी अगर सर्विसेज को अवेल करती हैं तो इस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो कम होंगी। उसके अलावा ख्वातीन जो हैं वो अपने आप को ज़्यादा एक्टिव रखेंगी। या इसके अलावा फिजियोथेरेपी में इसका एक पूरा प्रोटोकॉल है, एक्सरसाइज प्रोटोकॉल है जिसमें एरोबिक ट्रेनिंग भी आ जाती है, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी आ जाती है। तो वो चीज़ ख्वातीन को अपना मूड एक तो बेहतर करने में और उसके साथ साथ अपने आप को हल्का महसूस करने में भी हेल्पफुल साबित होंगी। क्योंकि एक खातून ने आफ्टर प्रेगनेंसी खुद को भी देखना है, अपने बच्चे को भी देखना है, बच्चे को कैरी भी करना है, बच्चे को फीड भी कराना है। तो इस तरह इस दौरान बहुत सी खवातीन पोस्चरल मसाइल का या पट्ठों में कमज़ोरी के मसाइल को रिपोर्ट करती हैं। तो फिजियोथेरेपी में पूरा एक एक्सरसाइज प्रोटोकॉल पोस्टपार्टम रिकवरी के लिए ही डिज़ाइन है जो खवातीन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तीसरी डोमेन जिसकी मैं बात करूंगी और ये बहुत कॉमन रिपोर्ट होती है फिजियोथेरेपिस्ट के पास या गायनोकोलॉजिस्ट के पास, दैट इज़ रिलेटेड टू पेल्विक फ्लोर इश्यूज। पेल्विक फ्लोर इश्यूज में जो चीज़ें हमारे पास मोस्टली रिपोर्ट होती हैं दैट इज़ पेल्विक मसल पेन, पेल्विक मसल वीकनेस, पेल्विक प्रोलैप्स और इसके अलावा यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस या यूरिनरी लीकेज। ये सारे मसाइल पेल्विक फ्लोर मसल्स और पेल्विक से रिलेटेड हैं। तो इस दौरान अगर फिजियोथेरेपी खवातीन करवाती हैं तो उसमें हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं या करवाते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, पेल्विक मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज, कोर स्टेबिलिटी एक्सरसाइजेज और एब्डोमिनल मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज। ये सारी एक्सरसाइज प्रोटोकॉल अगर खवातीन इन मसाइल से गुजर रही हैं और अभी अब तक उन्होंने कोई भी फिजियोथेरेपी सर्विस अवेलेबल नहीं की तो आज ही अपने नियरेस्ट फिजिकल थेरेपी सेंटर को विजिट करें और इन तमाम मसाइल को ओवरकम कर लें। एक और डोमेन है जिसमें फिजियोथेरेपी ख्वातीन की सेहत को बेहतर बनाने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करती है, दैट इज़ रिलेटेड टू कैंसर रिहेबिलिटेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि फीमेल में सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर आजकल अमूमन बहुत कॉमन है और आफ्टर सर्जरीज उसकी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जो इजीली फिजियोथेरेपी से ओवरकम की जाती हैं। सबसे पहले अगर हमने कैंसर की प्रेवलेंस को फीमेल्स में कम करना है तो हम फीमेल्स को गाइड करते हैं कि वो अपनी पुबर्टी या अर्ली एज में कोशिश करें कि वर्कआउट करें, फिटनेस एक्सरसाइज करें ताकि उनकी कार्डियोपल्मोनरी फिटनेस भी इन्हांस हो और उसके अलावा जो रिस्क है फॉर द कैंसर डिवेलपमेंट वो भी कम हो। लेकिन अगर कोई फीमेल हमारे पास आफ्टर पोस्ट ऑपरेटिव आती है तो फिजियोथेरेपी में उसमें क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल होंगी कि अगर उसका कोई टिश्यू टाइटनेस है या कोई स्कार बन गए हैं सर्जरी के उसको रिलीव करने के लिए, ओवरऑल पेन को मैनेज करने के लिए, टिश्यू टाइटनेस, इसके अलावा लिम्फेडिमा की जो कंप्लेन्स हैं या कॉम्प्लिकेशंस हैं वो ओवरऑल फिजियोथेरेपी कम करेगी और उससे जो फीमेल्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इन्हांस होगी। इसके अलावा एक और मेजर डोमेन जिसमें हमारे पास ख्वातीन का पोस्चरल डिस्टर्बेंस या जिसको हम मेडिकल टर्म में स्कोलियोसिस कहते हैं, जिसमें ख्वातीन का स्पाइनल कर्व डिस्टर्ब हो जाता है, ये केसेस भी बहुत कॉमनली रिपोर्ट होते हैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास। तो अगर आप इस तरह की किसी भी कंप्लेन से गुजर रहे हैं तो आप फिजियोथेरेपी सर्विसेज अवेलेबल करें। अब उसमें फिजियोथेरेपी आपको किस तरह से हेल्प करेगी कि फिजियोथेरेपी में जो एक एक्सरसाइज प्रोटोकॉल है जहाँ पर हमारे पास स्पाइनल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज,
कोर स्टेबिलिटी एक्सरसाइजेज। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स को रिकमेंड की जाती हैं शूट मॉडिफिकेशंस और ब्रेस वगैरह, ताकि उनको स्पाइनल हेल्प मिले, स्पाइनल सपोर्ट मिले और वो अपना इस फेज को इजीली ओवरकम कर सकें। एक और कॉमन डोमेन जो कि रिलेटेड है हमारे पास माहवारी के दौरान या उसके बाद के मसाइल, जो ख्वातीन में बहुत कॉमन है। इसके अलावा PCOS आजकल बहुत प्रेवलेंट है ख्वातीन में, तो उनको ओवरकम करने में के लिए भी फिजियोथेरेपी बहुत हेल्पफुल साबित होती है। इस दौरान हम फीमेल्स को गाइड करते हैं कि अगर उनका वेट ज़्यादा है तो वो वर्कआउट करें, फिटनेस प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करें ताकि उनका वेट कम हो, और अगर उनको ड्यूरिंग पीरियड फ्लो कम आने की शिकायत है तो ये एक्सरसाइज, जिसमें हमारे पास एरोबिक एक्सरसाइजेज आ जाती हैं, उसके अलावा कंडीशनिंग एक्सरसाइज आ जाती हैं, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज या ओवरऑल वेट रिडक्शन, जब एक फीमेल की कम होगी तो उसके बाद के मसाइल्स PCOS वगैरह इजीली ओवरकम किए जा सकते हैं। आफ्टर पीरियड्स क्या होता है, जब एक खातून को मीनोपॉज होता है तो उसके बॉडी से बहुत मेजर हार्मोन्स जो कि जोड़ों के मसाइल को कम करने में हेल्पफुल साबित होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो आफ्टर पीरियड जब मीनोपॉज, जब एक फीमेल की बॉडी से हेल्पफुल या हेल्दी हार्मोन रिलीज होना बंद हो जाते हैं, तो ख्वातीन में जोड़ों के मसाइल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और जोड़ों में डीजेनरेटिव चेंजेस या वक्त के साथ साथ पेन का होना, उनमें गैप कम होना, ये मसाइल बहुत कॉमनली रिपोर्ट होते हैं। तो इन सब मसाइल को भी ओवरकम करने में फिजियोथेरेपी बहुत अहम किरदार अदा करती है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और ये वीडियो ख्वातीन को अपनी हेल्थ बेहतर बनाने के लिए, हेल्थ कंसर्न्स को बेहतर बनाने के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। इस वीडियो को मैक्सिमम आप अपनी कम्युनिटी में या अपनी फीमेल सर्कल में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपडेट रहें फॉर फर्दर हेल्पफुल कंटेंट।